नालों की गंदगी मिल रही है नर्मदा नदी में, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग नदी को बचाने में भी जुटे हुए हैं। इन्हीं लोगों में से एक इंसान की कोशिश ने गंदगी को खुशहाली की खुराक में तब्दील कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रुक रही है पर्यटन की धारा, दूषित हुआ पानी, नदी में मिलते हैं कई नाले, साथ में लाते हैं गोबर और गंदगी। पानी साफ करने की हुई कोशिश, दूर होगी गंदगी, बनेगी खाद, मिलेगी गैस। देखिए पर्यटन में मिलने वाले इस नाले को जो गंदगी से बचा रहा है। जबलपुर के आसपास शहरी और दूसरे रिहायशी इलाकों में से होते हुए पर्यटन के जरिए हिरण नदी में मिलता है, जो बाद में नर्मदा से जाकर मिलती है। कई सालों से नालों की गंदगी नदी के पानी में मिल रही है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ वक्त पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव ने इसकी दशा सुधारने के लिए कदम उठाना शुरू किया। पहले सरकारी विभागों से मिलकर कोशिश की गई, नतीजा कुछ नहीं निकला तो निजी स्तर पर ही काम शुरू कर दिया। पहले नाले के नदी में मिलने से पहले ही जमीन खरीदी, इस जमीन पर लगाया गोबर गैस का खास प्लांट। इससे पहले नाले का गोबर और गंदगी इस प्लांट तक लाने का रास्ता बनाया गया। नाले का गोबर और पानी प्लांट के डाइजेस्टर में जाता है, जहां उसका एनारोबिक ट्रीटमेंट होता है, जिस क्रिया में गैस निकलती है और साथ ही पानी भी शुद्ध होता है। शुद्ध पानी खास रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और गैस को पाइप के जरिए दूसरे प्लांट में भेजा जाता है, जहां कंप्रेसर से गैस में प्रेशर बनाया जाता है और इस गैस को पाइप के जरिए आसपास के गांवों के घरों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कंप्रेस को फिर आगे हम गांवों में सप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हमारा जो गोबर आता है, जब वो पच जाता है तो हमने पंप लगा के रखे हुए हैं ताकि वो स्लरी हम निकाल सकें। अब हम वो स्लरी निकालते हैं तो वो स्लरी को हम चाहे हम वर्मी कंपोस्ट में यूज करें, चाहे मशीन लगा के हम खाद बनाए। हमने यहाँ मशीन लगा के रखी हुई है 7.5 की है, तो इसमें वहां से स्लरी हम खींच के इस मशीन के द्वारा हम स्लरी को कंप्रेस करते हैं। उससे क्या है, हमारी खाद निकलती है और वो जो उसका रिसाइकलिंग जो कंप्रेस होकर जो पानी निकलता है उसको वापस हम डाइजेस्टर में डाल देते हैं। काम पर लाखों रुपए खर्च करने वाली भारत सिंह का मकसद नर्मदा तक पहुंचने वाली अशुद्धियों को रोकना है। वो कहते हैं कि इस क्रिया में ईंधन गैस भी पैदा होती है, जिसे रियायती दामों में आसपास रहने वालों को सप्लाई किया जाता है और इसके अपशिष्ट से हमने जो रोका है उससे हमने गैस बनाई है। जो 600 परिवारों में हम इसको कनेक्शन देंगे और बहुत कम रेट पे देंगे, 300 रुपए माह का हमने तय किया है और उससे कम पे भी हम दे सकते हैं उसको। इलाके
बस्ती के लोग भी इस कोशिश को अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं कि ये अच्छा प्रयास है जिसमें पानी भी शुद्ध होगा और खाद भी मिलेगी जिससे खेतों को फायदा होगा। रासायनिक खेती से जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है, इस अपशिष्ट से और जो खाद निकलेगी ये उसकी क्षमता भी बढ़ाएगी और फसल को भी साथ साथ उस जमीन को भी जीवन देगी। जानकारों के मुताबिक ये प्रयास कई अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो तमाम पैसों के इस्तेमाल के बावजूद प्रदूषण रोकने के मकसद में अभी भी कामयाब नहीं हो पाए। समय के लिए जबलपुर से कैमरामैन राजीव नामदेव के साथ सुमन पुरोहित।